हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ करेंट अफेयर, हर एग्जाम में पूछने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2018। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल नंबर एक, हाल ही में सातवां एशिया कप खिताब किसने जीता है? चार ऑप्शन इसमें है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, भारत। सवाल नंबर दो, हाल ही में कालाहांडी सभा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसमें भी चार ऑप्शन है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। सवाल नंबर तीन, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा डी, 9 अक्टूबर। सवाल नंबर चार, हाल ही में उन्नति योजना का अनावरण किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, कर्नाटक। सवाल नंबर पाँच, हाल ही में विश्व का शीर्ष ब्रांड कौन बना है? एप्पल, गूगल, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, एप्पल। सवाल नंबर छः, एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह कब हुआ था? 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त। तो इसका सही जवाब होगा डी, 18 अगस्त। सवाल नंबर सात, BCCI की 2017-18 के देवधर ट्रॉफी 2018 में किस टीम ने जीती? टीम इंडिया, ए, बी, सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, इंडिया बी। सवाल नंबर आठ, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा की है? 1, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो 5 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा की है, सी राइट होगा इसका। सवाल नंबर नौ, हाल ही में तीसरे युवा ओलंपिक खेल 2018 का कहाँ शुरू हुए हैं? रूस, चीन, अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब होगा सी, अर्जेंटीना। सवाल नंबर 10, हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका सी राइट होगा।